दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की 15 ऐसी मूवीज के बारे में जिनमें उन्होंने या तो एज अ विलन या फिर नेगेटिव करेक्टर किया है। संजय दत्त जो कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और जैसे उनका ऑन स्क्रीन करियर काफी बेहतरीन रहा है, वैसे उनकी ऑफ स्क्रीन लाइफ काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। खासकर की 1993 में जब उनके पास एक AK-56 हथियार मिले थे और उसी दौरान मुंबई में कई ब्लास्ट हुए थे तो उनके ऊपर भी टाडा लगा दिया गया था और कुछ लोगों ने उन्हें भी आतंकवादी घोषित कर दिया था। वैसे तो अब इन सब चीजों से निकल चुके हैं लेकिन उस समय जो उनकी इमेज बनी थी उसके चलते उनके फैंस उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी काफी पसंद करते हैं, खासकर कि वो जब भाई या डॉन का रोल करते हैं। तो ऐसे में हम इस वीडियो में 15 ऐसी मूवीज की लिस्ट के साथ आए हैं जिनमें संजय दत्त ने नेगेटिव कैरेक्टर किया है। तो लिस्ट को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिस्ट में पहली मूवी है खलनायक। खलनायक जो कि 1993 में रिलीज हुई एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और ये फिल्म रिलीज ही उस दौरान हुई थी जब संजय दत्त पहली बार जेल गए थे और इसी के चलते इस फिल्म का काफी हाइप हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने। फिल्म में लीड रोल में थे जेके श्रॉफ, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित। फिल्म की कहानी वैसे तो एक लड़के की है जो अपने बचपन में ही गलत राह पे चला जाता है और समाज में रहते रहते खलनायक बन जाता है। इस फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी और इस फिल्म में संजय दत्त के कैरेक्टर को काफी सराहा भी गया था और ये फिल्म संजय दत्त की सबसे बड़ी फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते और इस फिल्म के ही सक्सेस के बाद संजय दत्त को कई सारे नेगेटिव रोल मिलने लगे थे। लिस्ट में दूसरी मूवी है वास्तव। वास्तव 1999 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर ने और फिल्म में संजय दत्त के अलावा थे नम्रता शिरोडकर, दीपक तिजोरी। और संजय दत्त की ये फिल्म एक कल्ट फिल्म साबित हुई थी और ये फिल्म उनके सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की भी कहानी एक ऐसे लड़की की है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और ना चाहते हुए भी एक ऐसे राह पे निकल जाता है जिसमें वो आगे जाके एक बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। इस फिल्म के कई सारे सीन और कई सारे डायलॉग्स इतने हिट हुए थे कि वो आज भी लोगों की जुबान पे है और इस फिल्म के साथ ही संजय दत्त की भाई वाली इमेज अपने पीक पे पहुंच गई थी। लिस्ट में अगली फिल्म है कारतूस और ये फिल्म भी 1999 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ लीड रोल में थे जेके श्रॉफ, मनीषा कोइराला और गुलशन ग्रोवर और इस फिल्म में भी संजय दत्त एक डॉन के रोल में नजर आए थे, एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन जो कि पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। फिल्म में जेके श्रॉफ एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे जो कि उसी डॉन की मदद से देश में एक बड़े क्राइम को खत्म करना चाहते हैं। ये फिल्म भी एक बड़ी हिट साबित हुई थी और बाद में इस फिल्म का साउथ में रीमेक भी बनाया गया था। लिस्ट में अगली फिल्म है जंग जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक बार फिर संजय दत्त एक डॉन के रोल में नजर आए थे और दोबारा इस फिल्म में जेके श्रॉफ एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। संजय दत्त का इस फिल्म में किया गया किरदार जिसका नाम था बल्ली काफी हिट हुआ था। इस फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर को अपने बेटे के मेडिकल प्रॉब्लम के लिए एक डॉन की मदद चाहिए होती है जो कि पुलिस कस्टडी में ही होता है। फिल्म की कहानी को एक अलग रूप में दिखाया गया है और इस फिल्म में डॉन के एक सॉफ्ट कॉर्नर को भी दिखाया गया है और ये फिल्म भी अपने टाइम में हिट साबित हुई थी। लिस्ट में अगली फिल्म है हथियार जो कि एक एक्शन क्राइम फिल्म है। उस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर ने और ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई फिल्म वास्तव का सीक्वल था। फिल्म में लीड रोल में थे संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और शरद कपूर और इस फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से वास्तव की कहानी का अंत होता है और इस फिल्म में संजय दत्त के पहले कैरेक्टर के बेटे को दिखाया जाता है। वैसे ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी लेकिन तब भी इस फिल्म में संजय दत्त के किरदार को सराहा गया था। इस फिल्म के अलावा साल 2002 में संजय दत्त की दो और ऐसी मूवी आई थी जिसमें वो भाई के रोल में दिखे थे। अगली फिल्म है अनर्थ। अनर्थ जो कि 2002 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में थे संजय दत्त, सुनील शेट्टी, आशुतोष राणा, साथ ही इस फिल्म में विनोद कामली भी नजर आए थे। फिल्म की कहानी दो गैंग के ऊपर बेस्ड होती है। फिल्म के अंदर संजय दत्त और सुनील शेट्टी दोनों गैंगस्टर के रोल में नजर आते हैं और फिल्म के अंदर एक बड़े गैंग वॉर को दिखाया जाता है। संजय दत्त की ये फिल्म भी एवरेज रही थी। कुछ लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था तो कुछ लोगों ने इतना पसंद नहीं किया था और ये फिल्म भी 2002 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा 2002 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मैंने दिल तुझको दिया। वैसे तो इस फिल्म में संजय दत्त का साइड रोल था या फिर यूं कहे कि एक छोटा रोल था। वैसे तो एक लव स्टोरी थी और फिल्म में लीड रोल में थे सोहेल खान और समीरा रेड्डी लेकिन फिल्म के अंदर संजय दत्त का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था और फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था भाईजान। इस छोटे रोल होने के बावजूद भी फिल्म में संजय दत्त का कैरेक्टर काफी हिट हुआ था और फिल्म में दिखाए गए उनके कुछ डायलॉग्स आज भी रिपीट किए जाते हैं। इस फिल्म के बाद साल 2004 में रिलीज हुई थी मुसाफिर। मुसाफिर जो कि अनिल कपूर, संजय दत्त, समीरा रेड्डी स्टारर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था संजय गुप्ता ने। फिल्म के अंदर दो गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिसमें एक रोल में होते हैं अनिल कपूर तो दूसरे रोल में होते हैं संजय दत्त और संजय दत्त के कैरेक्टर का नाम होता है बिल्ला। संजय दत्त के कैरेक्टर का ये नाम भी काफी हिट हुआ था और इस फिल्म में संजय दत्त के लुक की भी काफी तारीफ हुई थी। फिल्म में संजय दत्त ने अपने लुक के साथ एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। ये फिल्म 1997 में आए एक हॉलीवुड फिल्म यू टर्न का रीमेक था। वो फिल्म काफी सक्सेसफुल हुई थी और इस फिल्म ने भी एवरेज बिजनेस किया था लेकिन ये फिल्म भी संजय दत्त की उन फिल्मों में से एक है
जिसमें फिल्म से ज्यादा संजय दत्त का कैरेक्टर हिट होता है और उनके कैरेक्टर और लुक की ज्यादा चर्चाएं होती है। इसके बाद 2004 में ही एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें दोबारा संजय दत्त एक गैंगस्टर के रूप में नजर आए थे और वो फिल्म है प्लान। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें संजय दत्त के साथ नजर आई थी प्रियंका चोपड़ा, डीनो मोरिया, समीरा रेड्डी और इस फिल्म को भी संजय गुप्ता ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म में कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जिसे चार लड़के गलती से किडनैप कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने किसे किडनैप किया है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी। फिल्म में संजय दत्त के कैरेक्टर का नाम होता है मूसा भाई और ये फिल्म भी एक अच्छी एक्शन ड्रामा मूवी है। इसके बाद साल 2009 में रिलीज हुई थी लक और ये भी एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सोहम शाह ने। फिल्म में लीड रोल में थे मिथुन चक्रवर्ती, श्रुति हसन, इमरान खान, संजय दत्त, डैनी, रवि किशन और इस फिल्म में संजय दत्त के कैरेक्टर का नाम होता है करीम मूसा। और इस फिल्म की भी कहानी एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होती है। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे कुछ लोगों को अपना लक आजमाने का एक मौका दिया जाता है और अगर उसमें वो कामयाब रहे तो बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं और इन सबको जो कंट्रोल कर रहा है वही होता है करीम मूसा। इस फिल्म की भी कहानी आपको काफी पसंद आएगी और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। इसके बाद साल 2012 में रिलीज हुई अग्निपथ। ये फिल्म जो कि एक तरह से रीमेक होता है अमिताभ बच्चन के अग्निपथ का जो कि 1990 में रिलीज हुई थी, लेकिन उस फिल्म में और इस फिल्म में आपको काफी चेंजेस देखेंगे। ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था करण मल्होत्रा ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने। फिल्म में लीड रोल में थे ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, संजय दत्त, ऋषि कपूर और फिल्म में संजय दत्त कांचा चीना के किरदार में थे जिसके लिए उन्होंने खास लुक लिया था और इस फिल्म में उन्होंने अपना किरदार एक बेहतरीन तरीके से निभाया था। फिल्म में वो एक विलन के किरदार में थे, वो विलन जो कि जितना डेंजर होता है उससे ज्यादा वो देखने में लगता है। फिल्म में उनके किरदार की काफी तारीफ हुई थी। इसके बाद 2018 में उनकी फिल्म आई साहेब बीबी और गैंगस्टर 3। साहेब बीबी और गैंगस्टर जो कि एक फेमस मूवी फ्रेंचाइजी है उसके तीसरे पार्ट में नजर आए थे संजय दत्त। इसके अलावा उस फिल्म में थे जिमी शेरगिल, माही गिल, दीपक तिजोरी और ये भी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म था जिसे डायरेक्ट किया था तिग्मांशु धूलिया ने। इस फिल्म में उनका किरदार था उदय प्रताप सिंह का जो कि एक डॉन होता है, लेकिन इस फिल्म में जो उन्होंने डॉन का किरदार किया है वो पिछले किरदारों से काफी अलग है क्योंकि ये गैंगस्टर एक पॉलिटिकल गैंगस्टर है। फिल्म में आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा और अच्छी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में। उसके बाद 2019 में रिलीज हुई पानीपत। पानीपत जो कि एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था आशुतोष गुहारीकर ने। फिल्म में लीड रोल में थे अर्जुन कपूर, कृति सेनन और साथ ही साथ फिल्म में थे संजय दत्त। और इस फिल्म में पानीपत के थर्ड बैटल को दिखाया जाता है जो कि हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। और फिल्म में अर्जुन कपूर जहां सदाशिव राव के किरदार में थे वहीं संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली के किरदार में थे। अहमद शाह अब्दाली जो कि एक क्रूर राजा था और इस फिल्म में उनके कैरेक्टर को संजय दत्त ने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। वैसे ये फिल्म काफी सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई लेकिन इसके बाद भी हमेशा की तरह संजय दत्त के किरदार की इस फिल्म में काफी चर्चा रही। इस फिल्म में दिखाई गई लड़ाई भारत के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई में से एक है और अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में। उसके बाद 2022 में रिलीज हुई केजीएफ 2 और इस फिल्म में भी संजय दत्त एक नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। केजीएफ 1 जो कि एक बहुत ही फेमस मूवी थी और उसके सीक्वल का हमेशा से दर्शकों को इंतजार था, खास करके यश को लेके जो कि फिल्म में रॉकी के कैरेक्टर में है। यश के अलावा इस फिल्म में नजर आए हैं संजय दत्त, रवीना टंडन और हाल ही में ये फिल्म रिलीज हुई थी जो कि काफी सक्सेसफुल हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने और इस फिल्म में संजय दत्त का कैरेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट था। फिल्म में संजय दत्त अधीरा के किरदार में थे और इस फिल्म में संजय दत्त अपने परफॉर्मेंस के चलते यश को पूरी तरह से टक्कर देते हुए नजर आए हैं। और इस फिल्म में दिखाया गया संजय दत्त का कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आया है और इस फिल्म में दिखाया गया अधीरा का किरदार संजय दत्त के बेस्ट परफॉर्मेंस में से भी एक माना गया है। लिस्ट में आखिरी मूवी है शमशेरा। इस फिल्म को हाल ही में अनाउंस किया गया है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर कपूर, संजय दत्त, वाणी कपूर, आशुतोष राणा और एक पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और इस फिल्म को लेके आ रही है यशराज फिल्म्स। फिल्म को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म की कहानी सेट है 18th सेंचुरी पे जहाँ पे एक डकैत शमशेरा अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ता है। इस फिल्म में भी संजय दत्त एक नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं और ट्रेलर में दिखाया गया उनका कैरेक्टर काफी दमदार लग रहा है और संजय दत्त इस फिल्म के साथ एक बार फिर अपने नेगेटिव कैरेक्टर के साथ लोगों का दिल जीतने आए हैं। ये फिल्म आपको 22 जुलाई 2022 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, संजय दत्त की इन सभी फिल्मों में से आप किस फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।